सवेरा टीवी, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। हिमाचल बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 6 उम्मीदवार जो बाकी थे उनकी आज लिस्ट जारी कर दी है। इसमें देहरा सीट से रमेश धवाल को टिकट दिया गया है और ज्वाली ज्वालामुखी जो सीट है उसे रविंदर सिंह रवि को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुल्लू सदर की जो सीट है उसमें महेश्वर सिंह को फिर से इस बार टिकट देकर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बड़सर से माया शर्मा को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया है। और ये जो महिला कैंडिडेट्स है बीजेपी की तरफ से बड़सर सीट से उतारा गया है। हरोली जो कि नेता विपक्ष कांग्रेस के नेता विपक्ष की सीट है, वहाँ पे नेता विपक्ष के अगेंस्ट जो पिछले बार बीजेपी के राम कुमार हैं उन्हें इस बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ये पिछली बार चुनाव हार चुके थे मुकेश अग्निहोत्री से, लेकिन ये बीजेपी के एक दिग्गज नेता है, एक बड़ा नाम है बीजेपी में राम कुमार, जो कि काफ़ी मार्जिन से पिछली बार अपने चुनाव में यहाँ से हरोली से उतरे थे। साथ ही रामपुर की सीट जो कि बीजेपी की एससी रिजर्व सीट है वहाँ से पॉल नेगी को बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। आज जो बीजेपी के 68 सीटें हैं वहाँ पे अपने सारे जो दावेदार हैं उन्हें की घोषणा हो चुकी है। अब बीजेपी लगातार अपने दावेदारों के चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, नामांकन का दौर जारी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो कुल्लू की सीट है वहाँ से जो महेश्वर सिंह है उनको इस बार फिर से जो टिकट दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल बीजेपी है इसके दिग्गज नेताओं में से एक है, एक बड़ा नाम है, लेकिन पिछली बार ये इस सीट से चुनाव हार चुके थे। इस बार बीजेपी ने दाव खेला है, फिर से इनको अब टिकट देकर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कहीं ना कहीं देखना होगा कि बीजेपी का जो ये पुराने दावेदारों को फिर से सीट देने का तरीका है ये क्या सफल होगा या नहीं, और बीजेपी की ये जो बाकी सीटें हैं जो अनाउंस हो चुकी है इसके बाद बीजेपी अपनी दावेदारी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखा रही है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा, हरोली।